नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं सरिता स्वादी, डीएस सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका, आज फिर आप लोगों के सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। अति श्याम सोहत जू, ये रचना जो है वो रसखान द्वारा लिखी गई है। तो पीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कहना चाहते हैं रसखान श्री कृष्ण के बारे में। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्यारा सा चित्र है रसखान और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हुए आप देख सकते हैं। तो आज की रचना का नाम है अति सोहत श्याम जू, और लेखक हैं या कवि हैं रस खान। पद्य परिचय, सवैया। सवैया मांत्रिक छंद का एक प्रकार है। इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। रीति काल में विभिन्न प्रकार के सवैया प्रचलित रहे हैं। अति सोहत श्याम जू, इस रचना में कवि रसखान ने श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव, बालकृष्ण एवं उसे पाने के लिए हृदय में सच्ची भक्ति की आवश्यकता जैसे बिंदुओं का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे से कृष्ण और रसखान की जानकारी, रसखान जी का जीवन परिचय। उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, जन्म स्थान दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। उनके जन्म की तिथि जो है वो निश्चित नहीं है, सबको शंका है कि कौन सी है, इसलिए वो यहाँ दी नहीं गई है। और शिक्षा और दीक्षा किसके पास हासिल की थी, उन्होंने गोस्वामी विठल नाथ द्वारा उन्हें दीक्षित कराया गया था। उसके बाद है कर्मभूमि, ब्रज भूमि उनकी कर्मभूमि थी। कृतियां कौन सी थी, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका एवं रसखान रचनावली, ये रचनाओं का संग्रह। और उनकी मृत्यु 1628 में हुई। तो आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये सैयद इब्राहिम रसखान बने। एक छोटी सी घटना है तो जिसका उल्लेख हम मैंने यहाँ किया हुआ है। एक मुसलमान था जो रोज पान की दुकान पर पान खाने जाता था। एक दिन उसकी नजर वहां लगी हुई कन्हैया की तस्वीर पर पड़ी, तो उसने पान वाले से पूछा, भाई ये बालक किसका है और इसका क्या नाम है। पान वाला बोला, ये श्याम है। कौन है, ये श्याम है। खान साहब बोले, ये बालक बहुत सुंदर है, घुंघराले बाल हैं, हाथ में मुरली भी मनोहर लगती है, मगर ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है, यानी खुरदरी यानी उबड़ खाबड़ है, इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो उन्हें देखो कितनी चिंता है, उस चित्र में उन्होंने उस बालक को देखा तो उन्हें लगा कि वो जहाँ खड़ा है वो जमीन कैसी है, तो खुरदरी है, उबड़ खाबड़ है, और जिसके कारण क्या हो सकता है, उस बालक के पैरों में जख्म हो सकते हैं, इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसको चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो। इन्हें देखो कितनी मासूमियत से उन्होंने पान वाले से पूछा कि इसे चप्पल क्यों नहीं पहनाते, जबकि वो केवल एक तस्वीर ही थी। पान वाला बोला, तुझे दया आ रही है तो तू ही पहना दे। ये बात खान भाई के दिल में उतर गई और दूसरे दिन कन्हैया के लिए चप्पल खरीद कर ले आया और बोला, लो भाई मैं चप्पल ले आया, बुलाओ बालक को। इन्हें देखो कितनी मासूमियत से वो कह रहे हैं कि मैं चप्पल ले आया हूँ, तुम उस बालक को बुला तो लो। पान वाला बड़ा हैरान था, वो आगे बोला, ये बालक यहाँ नहीं रहता, ये वृंदावन में रहता है। तो देखो उन्होंने भी किस प्रकार से बात कही पान वाले ने, उसने कहा कि ये बालक यहाँ नहीं रहता, कहाँ रहता है, तो वृंदावन में रहता है। खान साहब ने पूछा कि इसका पता दो, बताओ कि वृंदावन में कहाँ रहता है। यानी देखो ये मासूमियत अभी भी है और वो कहने लगे कि ये बालक कहाँ रहता है, ठीक से पता तो बताओ। पान वाला बोला, इसका नाम श्याम है। क्या नाम है, श्याम है, और वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में रहता है। ये कहाँ रहता है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रहता है। खान साहब वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो मंदिर के पुजारी ने बाहर ही रोक दिया और कहा कि तुम दूसरे समाज के हो, इसलिए मंदिर में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। देखो उस समय से ये प्रथा चलती आ रही है कि उस समय दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के अपनाने वाले को मंदिर पे प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा, पुजारी ने कहा कि तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि तुम दूसरे समाज के हो। खान भाई यह सोचकर कि मेरा श्याम कभी तो मंदिर से बाहर आएगा, मंदिर के गेट पर ही बैठकर इंतजार करने लगे। यानी देखो खान भी कितने सच्चे और साफ दिल के थे, वे भी वहां बैठ गए और किसका इंतजार करने लगे कि
कभी ना कभी शाम जो है वो बाहर आ जाएंगे मंदिर से। इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया, रात भी निकल गई, भोर का समय था और भोर का समय आया, भोर यानी सुबह का वक्त आया, तो उनके कानों में घुंघरुओं की आवाज आई। तो अचानक उन्हें कैसे लगा जैसे कि किसी के पैरों में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने खड़े होकर चारों तरफ देखा, यानी खान साहब खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे कि कहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही है। कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी उन्हें कुछ नजर नहीं आया क्योंकि सुबह का ही वक्त था और अभी भी अंधेरा था वहां पर। फिर उन्होंने अपने चरणों की तरफ देखा, अचानक उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो श्याम उनके चरणों में बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उन्हें वो बालक जो है वो उनके चरणों में बैठा हुआ दिखाई दिया। श्याम को देखकर खान भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यानी वे अत्यंत खुश हुए। खुशी का ठिकाना न रहना यानी अत्यंत खुश होना। मगर उन्हें बहुत दुख हुआ जब कन्हैया के चरणों से खून निकलता हुआ दिखाई दिया और अचानक जब उनकी नजर श्याम के पैरों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा है। तो ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। खान भाई ने कन्हैया को गोद में उठाकर प्यार से उसके चरणों से खून पोंछते हुए पूछा, बेटे तेरा क्या नाम है? कन्हैया बोला, श्याम। खान भाई बोला, तुम तो मंदिर में आए हो, फिर ये खून क्यों निकल रहा है? यानी क्या तुम मंदिर से अभी बाहर आए हो और फिर भी ये खून क्यों निकल रहा है? वह बोला, नहीं मैं मंदिर से नहीं गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ। यानी कहाँ से चलकर आए हैं? गोकुल से पैदल चलकर आए हैं क्योंकि तुमने मेरी जैसी मूरत दिल में बसाई, मैं उसी मूरत में तुम्हारे पास आया हूँ। यानी तुम्हारे मन में क्या है? बालक कृष्ण मन में बसा हुआ है, तो मैं उसी मूरत में तुम्हारे सामने आ गया हूँ। इस प्रकार से उस कन्हैया ने उत्तर दिया, इसलिए मुझे गोकुल से पैदल आना पड़ा और पैरों में कांटे लग गए। तो उन्होंने बताया कि मैं वहां से चलकर आया हूँ, तुम्हारे मन में मेरी मूरत कौन सी है? तो एक बच्चे की मूरत है। तो मैं कहाँ से चलकर आया हूँ? गोकुल से। और आते आते रास्ते में क्या था, बहुत कांटे वगैरह थे और वही मुझे मेरे पैरों में लग गए हैं और उसी के कारण खून निकल रहा है। खान भाई भगवान को पहचान गया और वे तुरंत उसे श्याम को पहचान गए कि वे कौन है और उन्होंने वादा किया कि हे कन्हैया, हे मेरे मालिक, मैं तेरा हूँ और तेरे गुण गाया करूंगा और तेरे ही पद लिखा करूंगा। उन्होंने उस दिन वादा किया कि हे कन्हैया, हे मेरे मालिक, मैं तेरा हूँ, यानी कौन हूँ? मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे ही गुणों का बखान मैं अपने पदों में हमेशा से ही करूंगा। इस तरह एक मुसलमान खान भाई से रसखान बनकर भगवान का पक्का भक्त बना, यानी वे रसखान बन गए और ईश्वर के पक्के भक्त बन गए और हमेशा क्या गाने लगे, जय जय श्री राधे। अब है उनकी चार रचनाएं। अब देखिए किस प्रकार से एक एक उन्होंने सवाई रची है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन्हें जो रचना है वो किस किस में है? ब्रज भाषा में है, इसीलिए उसे बोलते समय भी तकलीफ होती है क्योंकि हमारे मुख में वे शब्द नहीं है। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मानुष यानी मनुष्य, उसके बाद है ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वाला जो दूध बेचता है, ग्वाला। मंझारन, मंझारन यानी मध्य में बीच में, गिरी यानी पर्वत, खग यानी पक्षी, कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदी, दारन यानी डालियां, धेनु यानी गाय, बीच में पाहन, बीच में पाहन यानी पत्थर के समान, पुरंदर यानी इंद्र, बसेरो यानी निवास, कूल यानी तट। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि यहाँ पर रसखान क्या कहना चाहते हैं। हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा से कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मेरी उत्कट, उत्कट अर्थात तीव्र इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल
गांव के ग्वालों के बीच अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। यानी देखो रसखान जो हैं वो क्या चाहते हैं, श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में पैदा होता हूँ यानी मनुष्य बनता हूँ, तो मेरी तीव्र इच्छा क्या होगी कि मेरा जन्म कहाँ हो, गोकुल में हो, गोकुल में हो और गांव में ग्वालों के बीच में एक ग्वाला बनकर रहूं, ताकि मुझे हमेशा श्री कृष्ण का साथ रहे, उनके सानिध्य में रहने का वो पूरा आनंद मिल सके। फिर वे दूसरा कहते हैं, यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में कुछ नहीं होगा। यानी वे कहते हैं कि अगर मनुष्य का जन्म नहीं मिला और किसी पशु का जन्म मिला तो उस पर मेरा कोई वश नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। फिर भी मैं चाहूंगा या मैं चाहता हूँ कि मैं नंद की गायों के मध्य में चरने वाला, यानी जब नंद की गायें चरें तो उसके बीच में चरने वाला एक पशु अर्थात गाय बनूं। तो क्या बनना चाहूंगा, एक गाय बनना चाहूंगा। और ये भी नहीं हुआ तो यदि पत्थर बनूं, और समझो कि मुझे ना पशु का जन्म मिला ना मनुष्य का जन्म मिला, केवल एक पत्थर बनकर अगर मैं रह गया, तो वो कहते हैं कि यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। यानी क्या चाहते हैं कि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया या धारण किया था। यानी देखो किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य का जन्म ना मिला ना ही पशु का जन्म मिला तो क्या बनूं, अगर मैं पत्थर बन गया तो कौन सा पत्थर बनना चाहूंगा, तो ऐसा पत्थर यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप यानी इंद्र के गुस्से से उस समय उन्होंने क्या किया था, उस पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था ताकि वो ब्रज के लोगों की रक्षा कर सके, छत्र के रूप में उसे हाथ में धारण कर लिया था। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ, यदि मैं किसी पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। वो क्या कहते हैं कि यदि अगर पत्थर भी बनने का मुझे अवसर ना मिला और अगर मैं पक्षी बन गया तो मैं क्या क्या कहूंगा या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना के तट पर, यमुना यानी कालिंदी के तट पर स्थित, वहां पर किसके पेड़ हैं, कदम्ब के पेड़ हैं, और कदम्ब की डालियों पर रहने वाला यानी बसेरा करने वाला यानी वहां पर घर बनाने वाला या घोंसला बनाने वाला पक्षी बनूं, ताकि हर जन्म में मुझे श्री कृष्ण के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। ईश्वर से कहते हैं कि मुझे इसी प्रकार से जन्म दो ताकि मैं क्या करूं, मैं हमेशा श्री कृष्ण के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यही मेरे प्रभु से विनती है, यही विनती वे अपने ईश्वर यानी आराध्य यानी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वे यदि मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो वो क्या क्या होंगे, ग्वाला बनना चाहेंगे, और यदि एक पशु बने तो गाय बनना चाहेंगे, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे, और यदि पक्षी बने तो यमुना के तट पर जो कदम्ब के पेड़ हैं उनकी डालियों पर रहने वाला या बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में मेरा जीवन हो, ताकि हर जन्म में मुझे किसी न किसी प्रकार श्री कृष्ण के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। और यही विनती वे इस सवैये में कर रहे हैं। दूसरा है, धूरी भरे अति सोहत श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पिरी कछौटी, बा छबी को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, अरे हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यानी धूरी यानी धूल, सोहत यानी शोभित सुशोभित, जू यानी जी, पग पैरों में, पैंजनी पैंजनी यानी पायल, तैसी यानी वैसे ही, बाजती यानी बजती, कछौटी कमर में लपेटी जाने वाली धोती, पीरी यानी पीले रंग की या पीली, वारत न्योछावर करना, बिलोकत देखते हैं यानी रसखान देखते हैं,
कोटि यानी करोड़ों, काग यानी कौवा। अपने इस दूसरे रचना में रसखान कहते हैं, उन्होंने क्या किया है इसमें, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि कृष्ण का सुंदर शरीर धूल से भरा हुआ है। इन्हें उनका शरीर कैसा है, धूल से भरा है, फिर भी उसका वह अत्यंत मनोहारी लुभावना रूप लग रहा है। और ये धूल कौन सी, गोरज, गोरज यानी गाय के पैरों से उठने वाली जो धूल है वो ही उनके मुख पर सुशोभित हो रही है और वे अत्यंत सुंदर या मनोहर लग रहे हैं। उनका वो जो रूप है वो अत्यंत मनोहारी या लुभावना वाला है। सिर पर बंधी चोटी भी सुंदर लग रही है, यानी सिर पर क्या छोटी सी चोटी बनी है और वो भी बड़ी ही प्यारी लग रही है। कृष्ण अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए खेलते फिर रहे हैं, यानी आपने देखा होगा कि बच्चे किस प्रकार से खाते समय इधर उधर घूमते रहते हैं हाथ में लेकर, एक जगह पर बैठकर भी कुछ भी नहीं करते, तो वैसे ही श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में एक रोटी है और उसे लेकर वे आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, खेलते हुए फिर रहे हैं। और उनका रूप कैसा है, उन्होंने क्या पहना है, तो उनके कमर में बंधी पीली धोती, पैरों में क्या है, पैंजनिया है यानी पायल है जो बज रही है, सुंदर उसकी मधुर ध्वनि आ रही है। रसखान कहते हैं कि कृष्ण की सुंदर छवि पर, यानी ये जो छवि है जो यहाँ वहां घूम रहे हैं और हाथों में रोटी है, मुंह पर न जाने क्या क्या लगा है, धूल लगी है, ये सब जो प्यारा सा मनोहारी लुभावने वाला जो उनका रूप है, वो कामदेव जो हैं, आपको मालूम है कि जो सुंदर, सबसे कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है, तो कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं पर निछावर करते हैं, यानी कामदेव भी अपना रूप उन पर न्योछावर कर रहा है। उसी समय क्या होता है, उसी समय एक कौवा आकर उनकी माखन लगी रोटी छीन कर ले जाता है, यानी क्या, जैसे ही वे आंगन में यहाँ वहां घूम रहे हैं तो एक काग यानी कौवा वहां बैठा हुआ है इस ताक में कि कब उन्हें उसे अवसर मिले और वो उसके हाथ से रोटी, यानी श्री कृष्ण के हाथों से वो रोटी छीन कर उड़े। और वैसा ही होता है, रोटी छीनकर वो कौवा निकल पड़ता है, लेकिन रसखान को गुस्सा नहीं आता। वे क्या कहते हैं, पर रसखान को वह कौवा भी बड़ा भाग्यशाली लगता है, उन्हें लगता है कि वो कौवा भी कितना भाग्यशाली है, उसे भी श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वो कहते हैं कि उस कौवे को श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए और साथ ही उनके स्पर्श का अनुभव भी उसे मिला। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि एक पक्षी के रूप में होने के बावजूद, पक्षी और उस पर भी एक कौवे के रूप में होने के बावजूद भी वो कौवा कितना ही भाग्यशाली है, और उसे क्या मिला है, और उसे श्री कृष्ण के स्पर्श का अनुभव भी मिला है। वो कहते हैं कि वो कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है। अगले इसमें है, सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी ये सुंदर पाग कसी है, वैसी या गोरज भाल विराजत, जैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, दृग ऐदी के ग्वाली पुकार हंसी है, खोली री घूंघट खोलो खहा, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। देखो शब्द काफी कठिन है तो ध्यान दीजिए, खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। तो चंदवा यानी मुकुट या पगड़ी, तैसीय यानी वैसे ही, गोरज गाय के चलने से उड़ने वाली धूल, वो वहां पर भी हम लोगों ने पिछले इसमें भी देखा है, भाल यानी मस्तक, ही यानी हृदय, बनमाल यानी फूलों की माला, लसी यानी सुशोभित होना, बौरी भई, बौरी भई यानी यहाँ पर जो उसका अर्थ है वो है विवेक रहित हो जाना, यानी कुछ भी सूझना नहीं, कुछ समझ में ना आना, दृग यानी आंख, मांझ यानी मध्य में। यानी इस रचना में रसखान क्या कहते हैं, कवि रसखान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है, यानी क्या है, मोर मुकुट। यहाँ पर भी इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से सुंदर सा मोर का पंख उनके मुकुट में लगा हुआ है, इसीलिए सुंदर सुंदर कृष्ण के चित्र मैंने दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी आप लोगों ने और भी सुंदर चित्र उनके देखे होंगे, तो सबसे लुभावने वाले ये चित्र होते हैं। कवि रसखान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है, इन्हें कैसे शोभा दे रहा है,
उनके सिर पर बड़ी सुंदर पगड़ी बंधी हुई है, ने क्या बनी है, सुंदर पगड़ी बंधी हुई है। उनके मस्तक पर गोधूली अर्थात गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल यानी गोरज लगी हुई है, यानी वो भी कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है। और गले में बनमाल शोभित हो रही है, यानी गले में जो फूलों की माला, यानी जंगल में प्राप्त फूलों की माला जो है वो क्या लग रही है, बड़ी ही सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है। कृष्ण ने उस आकर्षक बाल रूप देखकर रसखान जी की आंखें खुशी से पागल हो रही हैं, यानी क्या वो बौरा गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या ये रूप कैसा है, क्यों मैं ये मुझे ये रूप इतना पसंद आ रहा है। ग्वालिन आंखें मूंद कर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती है, उन्हें साथ में वो कहते हैं कि यहाँ तक मैं ही नहीं, वहां पर जितने भी ग्वालिन हैं, वे भी क्या हो गए हैं, बौरा गई हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो कृष्ण का रूप इतना लुभावना है। ग्वालिन आंखें मूंद कर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती है, एक ग्वालिन ने जब श्री कृष्ण को इस रूप में देखा तो उसने क्या किया, आंखें बंद कर ली और हंसते हुए अपनी उसने सखियों को, सारी सखियों को एकत्रित किया, पुकारा उन्हें कि आइए। जब सखी ग्वालिन से घूंघट खोलने के लिए कहती हैं, यानी उस ग्वालिन ने तुरंत क्या कर लिया, अपने सिर पर घूंघट ले लिया। तो जब उस सखी ने कहा कि अब अरे घूंघट तो हटाओ, अपना घूंघट खोलो, तो वो क्या उत्तर देती है, मेरी आंखों में श्याम की मनमोहक मूर्ति बसी हुई है, अतः मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। यानी देखो वो ग्वालिन भी क्या कहती है, वो कहती है कि ये घूंघट मैंने क्यों ओढ़ा है, वो इसलिए ओढ़ा है कि श्याम की मनमोहक मूर्ति कहाँ बसी है, उसके हृदय में, उसकी आंखों में बसी हुई है। और अगर वो सोचती है कि अगर उसने घूंघट उठाया तो शायद वो जो मूर्त है वो निकल जाए, फिर ना नजर आए, इसलिए वो कहती है कि मनमोहक मूर्ति जो मेरे मन में बसी हुई है, आंखों में बसी हुई है, मैं उसे अपने घूंघट को खोलकर उस दृश्य को हटाना नहीं चाहती। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, चंदवा यानी मुकुट, पगड़ी तैसी यानी वैसे ही, गोरज जैसे हमने पहले देखा है, गाय के चलने से उड़ने वाली धूल, भाल मस्तक, ही हृदय, बनमाल फूलों की माला, लसी सुशोभित होना, बौरी भई यानी विवेक रहित, कुछ समझ में न आना, कुछ सूझना नहीं। ये हालत तो किसकी हो रही थी, रसखान की भी। और जिस ग्वालिन ने ये देखा, ये सुंदर श्री कृष्ण का रूप देखा, तो वो भी क्या हो गई, बौरा गई, और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दृग आंख मांझ यानी मध्य में, यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये माखन खाने वाला कृष्ण सबको, सबके दिलों का चहेता है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और अंतिम है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछैया भरी छाछ पै नाच नचावे। यानी देखो किस प्रकार से है, सुरे सहु यानी सुरपति इंद्र जिसको कहा गया है, जाहि यानी जिसे, अनादि, अब अनादि यानी क्या, अनादि जिसका आदि अर्थात आरंभ न हो, समझ में ना आए कहां से शुरू हुआ है, अनंत जिसका अंत ना हो, अखंड जिसके खंड न किए जा सके, खंड यानी टुकड़े, अच्छेद जिसे छेदा न जा सके यानी जिसे अलग न किया जा सके, अभेद जिसके भेद न किए जा सके, यानी देखो किस प्रकार से वो है, वो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अच्छेद है, अभेद है, सुभेद यानी वेद, पचिहारे यानी हार जाना, ताहि यानी उसे, अहीर यानी ग्वाला आभीर, छोहरियां छोकरियां या लड़कियां, छछिया यानी छाछ रखने का छोटा पात्र, छाछ छाछ यानी मराठी में ताक, उसे रखने के लिए जो पात्र होता है उसको छछिया कहते हैं। अब यहाँ पर रसखान क्या कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कृष्ण तो प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे हैं, कृष्ण क्या है, प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे हैं। शेषनाग गणेश यानी गणेश यानी गणेश, महेश यानी शिव, दिनेश यानी सूर्य एवं इंद्र जिनके गुणों की हमेशा तारीफ करते हैं,
जिन्हें क्या कहते हैं, अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद बताया जाता है। ब्रह्म ऋषि नारद शुकदेव और महाकवि व्यास जैसे तपस्वी जिनके नाम को रटते हैं, यानी इन ये सभी जितने भी जिनके नाम हम लोगों ने यहाँ पे गिने हैं, उसमें शेषनाग है, गणेश है, शिव है, सूर्य है, इंद्र है, उसके साथ साथ ब्रह्म ऋषि नारद शुकदेव और महाकवि व्यास, ये सब तपस्वी हमेशा श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करते हैं, उसी के नाम को रटते हैं, परंतु उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सका, सब हार गए, यानी उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं कर सका इतनी तपस्या के बावजूद भी। और यहाँ देखिए, उन्हीं श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियां छोटे से छाछ के लिए नाना प्रकार से नाच नचा रही है, यानी छोरियां हैं जो ब्रज की लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो श्री कृष्ण को नचा रही है, किसके लिए, छाछ के पात्र के लिए, वो चाहते हैं कि उन्हें वो पात्र मिले, और इसीलिए वो छोरियां जो हैं वो उन्हें नाच नचा रही हैं, इधर उधर तंग कर रही हैं। तो जो इतने महान लोग भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सके हैं, और यहाँ पर हैं कि ब्रज की छोरियां या लड़कियां किस प्रकार से अपने आप को श्री कृष्ण के साथ ही पाती हैं, और आसानी से उन्हें उनका अपने आराध्य को वे अपने करीब ही पाती हैं, उनके साथ रहने का आनंद उठा पाती हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से रसखान हमें क्या कहना चाहते हैं। कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य साधारण भक्त थे। आप जानते हैं कि एक दूसरे धर्म के व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण को अपनाया और उनके प्रति अपनी सारी भावनाएं व्यक्त की हैं। यहाँ पर कोई भी कि ये हमारे धर्म का ईश्वर नहीं है या दूसरे धर्म का है, तो यहाँ पर कोई भी मन में इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया गया है। उन्हें श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति बेहद लगाव है, और क्या है, जन्मभूमि के प्रति, यानी जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है उस जन्मभूमि के प्रति उन्हें बेहद लगाव है। वे कृष्ण भक्ति में एकाकार हो गए हैं, वे श्री कृष्ण से अलग होना नहीं चाहते हैं, वे सदैव उनका सान्निध्य चाहते हैं, सान्निध्य यानी उनके समीप रहना चाहते हैं, इसलिए वे अगले जन्म में किसी भी योनि में जन्म ले फिर भी वे गोकुल से अलग होना नहीं चाहते, यानी जो भी जन्म उन्हें मिले फिर भी वो कहाँ मिले, वो गोकुल में ही मिले, यही उनकी तीव्र इच्छा है। वे गोकुल में उपस्थित किसी भी प्राकृतिक अंश में बस जाना चाहते हैं। कवि रसखान ने बाल कृष्ण का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। कृष्ण के आकर्षक एवं मनोहारी रूप को देखकर कवि रसखान की आंखें उन्मुक्त हो गई हैं। श्री कृष्ण सच्ची भक्ति के द्वारा तुरंत मिल सकते हैं। उनका विश्वास है कि अगर सच्ची भक्ति मन में हो तो कोई भी ईश्वर तुरंत आपका अपना हो जाता है और आप पर प्रसन्न हो उठता है। उन्हें पाने के लिए भक्त को सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने की आवश्यकता होती है। कवि कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि दिल में क्या होना चाहिए, सच्चे हृदय से आप ईश्वर को पुकारो तो ईश्वर तुरंत आ जाते हैं। श्री कृष्ण सच्ची भक्ति के प्यासे हैं। कोई भी ईश्वर जो है वह सच्ची भक्ति का प्यासा होता है। उनके दर्शन के लिए निरंतर जाप की आवश्यकता नहीं होती, यानी निरंतर जाप व्रत ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। श्री कृष्ण भी सच्चे भक्त की पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि रसखान ने अपनी भक्ति श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये श्री कृष्ण का रूप? रसखान ने किस प्रकार से सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण का, जो श्री कृष्ण हमारे मन में भी मौजूद है। तो वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति होनी चाहिए, जप करना या व्रत करने से कुछ नहीं होता, मन में क्या होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं रसखान के बारे में ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि रसखान जो थे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अब आप जानते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस का गान किसके सामने किया था, तो रसखान को वो पूरा रामचरितमानस उन्होंने सुनाया था। तो ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर धर्म
और जाति ये सब सामने नहीं आता। सच्ची भक्ति मन में होनी चाहिए। आशा करती हूँ सभी को ये रचना बहुत पसंद आई होगी और सबके दिलों में श्री कृष्ण बस गए होंगे। जय श्री कृष्ण।